और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म, वेब सीरीज और सीरियल्स की शूटिंग करना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये सवाल पूछ रहे हैं फिल्म निर्माताओं से। क्यों आश्रम नाम क्यों, और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं, 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो। नरोत्तम मिश्रा का ये गुस्सा फूटा वेब सीरीज आश्रम पर हुए विवाद को लेकर। दरअसल रविवार को भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ था। आरोप लगे थे कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर तोड़फोड़ की, क्रू को पीटा और डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। नरोत्तम मिश्रा इसी पर सरकार का पक्ष रखने आए और नया फरमान सुना दिया। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत ला दिया गया है, यानी इस पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर खुद सरकार की नजर है। ऐसे में सवाल उठता है कि भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग रुकवाने की कोशिश क्यों की। खैर, इस विवाद के बावजूद वेब सीरीज का फिल्मांकन जारी है। ABP News आपको रखे आगे।